खुदा का पैगंबर, नबियों का आज़ादार, दुश्मन इंसानियत, कातिल मासूम वफादार। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आज की वीडियो में आपको इस्लाम के साथ और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपको एहसास करवाने की कोशिश करूंगा कि बाकी जानवर दुनिया में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कुत्ता, इसके बारे में हम केवल इतना ही पढ़ते हैं कि ये बहुत वफादार जानवर होता है। कुछ लोग बस ये मान लेते हैं कि जब हम कुत्ते को पालकर उसकी इतनी केयर करते हैं तो बदले में क्या वफादारी भी एक्सपेक्ट ना करें। तो आज कुत्ते की जिंदगी की वो दास्तां आपको सुनाता हूँ जिससे इंसानियत को शर्म आनी चाहिए इनकी रेस्पेक्ट ना करने पर। ये मासूम सा जानवर जो हमसे बेइंतहा प्यार करता है, और इसका प्यार अनकंडीशनल लव होता है, ऐसा लव जिसकी कंडीशन नहीं, अगर ये आपसे अटैच हो जाए तो अपनी जान भी दे देगा आपके लिए। और इसके पीछे का रीजन है हमारा इससे बहुत पुराना रिलेशन। एक वक्त था जब हम भी इससे इतना ही प्यार करते थे जितना ये आज भी हमसे करता है। इंसान बड़ा फितरती होता है, जब अपना वक्त पड़ता है तो भरपूर साथ निभाता है, लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो इंसान पराया हो जाता। लेकिन ये मासूम जानवर इस प्यार को कभी नहीं भूलता। तो आइए अब कुत्ते की कहानी जानते हैं, और कहानी से मिलने वाली सीख हमें इंसानियत सिखाएगी, और फिर इस्लाम वाली इंसानियत से इसे कंपेयर करेंगे। बात उस समय की है जब इंसान इंसान बनने की राह पर था। यही वो दौर था जब इंसान पेड़ों पर से उतरकर छोटी छोटी बस्तियों में रहने लगा था। जंगली जानवरों से और दूसरी बस्तियों का अटैक से हमेशा डर बना रहता था। तब इंसान ने कुछ कम खतरनाक भेड़ियों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। ये कम खतरनाक भेड़िये इंसानों के साथ बहुत लंबे वक्त तक रहे। इंसान इवॉल्व होकर ताकतवर बन गया, जबकि ये इंसानों के साथ रहने की वजह से इवॉल्व होकर अपनी ताकत खो बैठा, भूल गया शिकार करना, क्योंकि इसका मकसद था हमारी हिफाजत करना, जिसमें इसने हमसे कभी बेवफाई नहीं की। जबकि हम लोगों को जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो हमने इसे गलियों का आवारा कुत्ता बना दिया। ये नेचर की तरफ से हम लोगों को मिला एक बहुत खूबसूरत तोहफा था, जिसे हमने अपनी ज़रूरत ख़त्म होते ही अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। और अगर हम इन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, इनकी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम इन्हें तकलीफ़ तो ना ही दें। वो तो शुक्र है कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते, और जो जानवरों से मोहब्बत करते हैं वो लोग बेशक बहुत अच्छे लोग हैं। कुत्तों को पालने वाले लोग उनकी मोहब्बत देखकर उनसे भी उतनी ही मोहब्बत करने लगते हैं। अब आते हैं इस्लाम की इंसानियत पर। इस्लाम में बचपन में ही बच्चों को कुत्तों से नफरत सिखा दी जाती है, उन्हें गंदा और शैतान बता दिया जाता है। और यही नहीं, हमारे मोहम्मद साहब ने तो इनको कत्ल करने तक के हुक्म सुनाए हैं। ऐसी कई जहालतें भरी हदीसें मौजूद हैं जो इंसान को इन वफादार मासूम जानवरों का दुश्मन बना देती हैं। तो आइए ऐसी कुछ हदीसों पर रोशनी डालते हैं, जहां ना केवल इन दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक से ना केवल नफरत सिखाई गई बल्कि उन्हें मारने को भी कहा गया। अबू दाऊद 2555। फरिश्ते उन लोगों के साथ नहीं चलते जो अपने काफिले में कुत्ते या घंटी को रखते हों। अरे नहीं है ज़रूरत हमें ऐसे शैतानी फरिश्तों की। सुन्नन इब्ने मजा 428-3210। अबू धर फरमाते हैं कि उन्होंने खुदा के रसूल से एक बिल्कुल काले कुत्ते के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये शैतान है। मतलब कुत्ता अगर बिल्कुल काला हो तो समझो कि वो शैतान है। क्या कहूँ, कभी कभी शब्द भी नहीं होते मेरे पास इन जहालतों के बारे में कुछ कहने के लिए। सुन्नन निसाई 4295। ऐसे लोग जो कुत्ते पालते हों सिवाय शिकार करने या जान माल या ज़मीन की हिफाजत के, उनकी नेकियों से रोज़ 2 किरात कम हो जाएंगी। मतलब अगर आपको कोई कुत्ता सड़क पर घायल मिला है तो उसकी मदद मत करना, क्योंकि तुम कुत्ता तभी रख सकते हो जब तुम्हें उससे कुछ फ़ायदा हो। ये कितनी अच्छी इंसानियत की बात है, ये दुनिया के सबसे बेहतर इंसान कह रहे हैं। बुखारी 3225। नेकी के फरिश्ते उन घरों में दाखिल नहीं होते जहां कुत्ता हो या किसी जिंदा मखलूक, मतलब लिविंग क्रिएचर की तस्वीर हो। मतलब ये शैतानी फरिश्ते मासूम कुत्तों के साथ साथ पेंटिंग्स और क्रिएटिव थॉट्स के भी खिलाफ हैं। और ऐसी बहुत सारी हदीसें हमें मिलती हैं जहां कुत्ते को मनहूस बताया गया है। और बस ये नहीं है कि केवल इन्हें पालना मना है या ये गंदे या मनहूस है तो इनसे दूर रहो, हमें वो पागलपन की हदीसें भी मिलती हैं जहां हमारे इस रसूल ने इन्हें मरवाया भी था। इसके भी कुछ सबूत दे देता हूं आपको। साही बुखारी 3323।
अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि कुत्ते मार देने चाहिए। साही मुस्लिम 3811। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि हमें रसूल ने हुक्म दिया कि मदीना और उसके आसपास के गांव में जितने भी कुत्ते मिले उन्हें मार डालो। फिर हमने अपने लोगों को भेजकर किसी भी कुत्ते को नहीं छोड़ा जिसे ना मार दिया हो, और वो भी इतना कि हमें उन कुत्तों को भी मार दिया जो रेगिस्तान के लोगों के साथ उनके ऊँटों के साथ आए हुए थे। मतलब इन लोगों ने पालतू कुत्तों को भी नहीं छोड़ा जो किसी के साथ थे। इससे पता चलता है कि रसूल का हर कुत्ते को मारने का पागलपन तब तक बना रहा जब तक कि इन लोगों ने बहुत पालतू कुत्ते नहीं मार दिए और लोगों से इनके कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो गए। ये देखिए, एक हदीस से पता चलता है कि इन्होंने एक औरत के कुत्ते को मार दिया और फिर बाद में रसूल ने केवल काले कुत्ते जिनके चेहरे पर दो स्पॉट हों उन्हें मारने को कहा। अब अगर आप कुत्ते पालने के शौकीन लोग होंगे तो उस औरत के दर्द को समझ सकते हैं जिसके कुत्ते को इस रसूल ने मार दिया। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये सब इन्होंने क्यों किया, फिर मैं अपनी थ्योरी दूंगा कि रसूल ने ऐसा क्यों किया होगा। तो इसके लिए हमें एक हदीस मिलती है और एक नुज़ूल भी मिलती है। हदीस और नुज़ूल दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ़िलहाल अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या हुआ था। रसूल काफ़ी उदास थे तो उनकी वाइफ मैमूना ने इसका रीज़न पूछा। उन्होंने कहा कि जिब्राइल ने मिलने का वादा किया था लेकिन आए नहीं। फिर उन्हें याद आया कि उनके घर में एक छोटा सा पिल्ला बैठा था, तो उन्होंने इसे घर से बाहर निकलवा कर फिकवा दिया और उस जगह को धो दिया। फिर जिब्राइल आ गए और रसूल ने उनसे वादे खिलाफी का रीज़न पूछा। उसने कहा, फरिश्ते कुत्तों से इतना डरते हैं कि अगर किसी के घर में कुत्ते की तस्वीर भी हो तो फरिश्ते उस घर में नहीं घुसते, इसलिए मैं दो बार आपके घर के दरवाजे से ही लौट गया। मतलब ये फरिश्ते कुत्तों से डरते थे। फिर इसके बाद इन्होंने सारे कुत्ते मारने का हुक्म जारी किया और छोटे छोटे पिल्ले तक मरवा दिए जो रखवाली नहीं कर सकते थे। ये तो हो गया इस्लाम के नज़रिए से। अब मैं अपनी थ्योरी बताता हूँ। रसूल की ज़िंदगी को अगर इस्लाम का चश्मा उतार कर ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि रसूल अपने मन की बातें अल्लाह और फरिश्तों के बहाने पूरी करते थे। दरअसल कुत्तों से डर फरिश्तों को नहीं बल्कि रसूल को लगता था, और इसका रीज़न यही होगा कि ये रातों को उठ उठकर अपनी अलग अलग वाइफ्स और बांदियों के पास जाते थे। इसके भी रेफरेंस मिलते हैं हमें। जब ये रात को निकलते होंगे तो इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कुत्तों से होती होगी, और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम काले कुत्तों से, क्योंकि वो अंधेरे में दिखते नहीं होंगे और इन पर बहुत करीब आकर अटैक कर देते होंगे। हो सकता है किसी कुत्ते ने इनके काट लिया हो और वहीं से इनके मन में ये डर बैठा हो। रसूल डरते भी थे, ये मैं आपको एक और हदीस के रेफरेंस से क्लियर कर देता हूँ। लंबी हदीस है तो केवल वही लाइंस दिखाता हूँ जो काम की हैं। इस हदीस में है कि एक रात जब आयशा का टर्न रसूल अल्लाह के साथ में था तो ये घर से बाहर निकल गए। आयशा ने इनका पीछा किया और वहाँ पहुँच गई जहाँ ये खड़े थे। आयशा छुपकर देख रही थी और इन्होंने अचानक आयशा की तरफ देखा और वो वहाँ से भागी, तो ये भी वहाँ से भागे। अब जब ये भाग रही थी तो इसकी परछाई रसूल के आगे आगे थी और रसूल उसी परछाई से डरकर भाग रहे थे। जब ये घर में आ गए तो इन्हें पता चला कि आयशा इनके आगे आगे आई है। इन्होंने आयशा से पूछा कि क्या वो तुम्हारी परछाई थी मेरे आगे? आयशा ने कहा हाँ। इस बात पर इन्होंने आयशा की चेस्ट पर इतना ज़ोर से हाथ मारा कि उसे दर्द महसूस हुआ और गुस्से में बोले कि तुम्हें क्या लगता है, खुदा का रसूल तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करेगा? तो ये थे आपके रसूल जो रात में बाहर निकलने से बाज नहीं आते थे लेकिन डरते भी थे। इन्होंने अपने सुख चैन के लिए और कुत्तों से डर की वजह से ना जाने कितने मासूम कुत्तों को मरवा दिया, और आयरनी यह है कि इन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। और मुस्लिम लोगों को लगता है कि सचमुच अल्लाह इतना छोटी सोच का होगा कि अपनी ही बनाई मखलूक को कत्ल करने को कहेगा, और वो मखलूक जिसने आपसे केवल प्यार किया, आपकी रखवाली की और आपके लिए अपनी जान खतरे में डालता रहा। बस इतना ही नहीं, आजकल सऊदी अरब में इस्लामी बादशाही चल रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि सऊदी अरब में धार्मिक पुलिस भी है, और सऊदी अरब की इस धार्मिक पुलिस का काम कुत्ते मारना भी है। और सऊदी अरब के बादशाह ने पुलिस को एक हुक्म जारी करके कहा है कि लाल समुद्र के बॉर्डर के आगे मक्का मदीना सहित पूरे अरब में जहाँ भी कुत्ते मिलें उन्हें पटक पटक कर वहीं मार दिया जाए। इस न्यूज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ कुत्तों को मास स्केल पर मज़हब के नाम पर मारा जाता है। तो ये थी कहानी उस मासूम बेजुबान कुत्ते की जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी पूरी प्रजाति स्पीसीज़ की कुर्बानी दी और देते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये मज़हब हैं जो इनकी जान लेने से बाज नहीं आता, और वो भी खुदा का हुक्म बताकर। अगर ये भेड़िया ही रहता तो ये शिकार करके अपनी ज़िंदगी जंगल में शान से गुजार रहा होता,
लेकिन इसने इंसान पर भरोसा कर लिया। ये इवॉल्व होकर कमजोर कुत्ता बन गया जो बस रखवाली कर सकता है और आपको बेपनाह प्यार दे सकता है और आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो हमेशा की तरह मुस्लिम भाई बहनों से अपील है कि खुद से भी कभी इस्लाम को न्यूट्रल होकर पढ़ें और इंसानियत और इस्लाम के फर्क को समझें। तो मेरे ह्यूमेनिस्ट भाइयों, केवल कुत्ता ही नहीं, हर जानवर के साथ कम से कम इतनी इंसानियत तो दिखा ही देना कि अगर उन्हें सपोर्ट ना कर पाओ तो कम से कम उन्हें उनके हाल पर तो छोड़ ही देना, उन्हें तकलीफ मत देना, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सहा है तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए। और बाकी सभी लोगों से मेरी अपील है कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, क्योंकि इंसानियत का पैगाम ही दुनिया में सबसे बेहतर पैगाम होता है और इसे सिखाने के लिए इसे महसूस करवाना बहुत जरूरी होता है। तो आज के शो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस ऑफिस।